अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा प्रोग्राम है जी सियाह की तरफ जाने का, और जो कोटा शहर की तरफ बंद वगैरह है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले हमने यहाँ बटली जो की तरफ रोड जाती है यहाँ तक हमने व्लॉग बनाया था, तो अभी हम यहाँ से आगे से जो व्यूज़ है वो आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। चुमाया बैके अथरू डोला किते नल में हूं दुखड़े पोला ओ गुजर खान तू चा पीती मुड़े मुड़े याद आंदे जिन्ना जिंदगी तबाह कीती ओ मुड़े मुड़े याद आंदे जिन्ना जिंदगी तबाह कीती वसे कश्मीर वसे कश्मीर सोना ओ खुले बटन कमीजां दे हाल ते पुछो आके कदी ढोल मरीजां दे ओ हाल ते पुछो आके कदी ढोल मरीजां दे ते बुए अके वगदी नैरनी मंगा दुआवा होवे सजना दी खैरनी ओ जरा मिलन ते आवे आ तेरे अख लगदे ने रोंदे नैन हसावे आ ओ तेरे अख लगदे ने रोंदे नैन हसावे आ। तो अभी हम पहुंच आए जी, ये जो यहाँ पर बंद बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू है। तो व्यूज इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा शहर, जो बंद ये बनाया गया है मंगला डैम के पानी को रोकने के लिए, जो घरों की तरफ ना जाए। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह, इस वक्त हम यहाँ आए दिन का टाइम है। तो अभी हम आपको यहाँ के जो व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वो अभी चेक करवाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ से जी मंगला डैम के। इससे पहले हमने आपको जो वीडियो दिखाई थी वो छपरा की थी, डडियाल की तरफ से जो मंगला डैम का नज़ारा है। और आज हम मौजूद हैं, ये कोटा शहर का इलाका है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पर, चेक करें आप। यहाँ से जो है वो डडियाल शहर का भी नज़ारा, स्टनिंग व्यूज़ हैं यहाँ से। और ये साथ ही यहाँ पर गारे इलाका है। साथ ही ये आगे सियाह आ जाता है, अभी हम कोशिश करेंगे वहाँ पर भी चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं।
तो ये जी यहाँ पर ये बंद बनाया गया है मजबूती से, लेकिन अभी पानी इतना नहीं है, वरना ये पानी जो इस तरह से भी आ जाता है। इस अंदर मेरे ख्याल में कोई बनाए गए हैं सुराख से, तो बेसिकली ये सारा ऐसे राउंड बनाया गया। ये मंगला डैम जो अपराइजिंग है उसके सिलसिले में ये यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर हर जगह आबादी होती थी, अब ये सारा इलाका जो पानी में आ जाता है जब पानी बहुत ज़्यादा पानी की सतह ऊपर होती है, तो अभी इस बार इतना पानी नहीं अपराइज हुआ। तो ये देखें यहाँ पर इसकी मजबूती से बनाया गया। तो पानी जब अपनी पूरी सतह पर होता है तो यहाँ और जब पूरा पानी होता है इस बंद तक होता है, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़ारे होते हैं, लेकिन इस बार इतना पानी का जो लेवल है वो ऊपर नहीं आया है, क्योंकि बारिशें वगैरह इतनी नहीं, और अभी पानी जो है वो वापस उसको उतारा जा रहा है पानी को, तो वरना इस जगह पर हर जगह पानी पानी होता है। तो अभी हमने प्रोग्राम बनाया जी कि पानी थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो अभी हम पानी के करीब चलते हैं, तो वहाँ से आपको जो वो डैम के नज़ारे करवाते हैं। तो रास्ता जो है वो दूसरी तरफ से जाता है, तो अभी यहाँ रोड से हम जाएंगे, फिर वो सामने से रास्ता आ रहा है, उस रास्ते से हम डैम के पानी के पास जाएंगे। तो आइए चलते हैं। चुमाया बैठे अथरू डोला किते नल में हूं दुखड़े पोला गुजर खार तू चा पीती मुड़े मुड़े याद आंदे जिन्ना जिंदगी तबाह कीती ओ मुड़े मुड़े याद आंदे जिन्ना जिंदगी तबाह कीती बसे कश्मीर। अभी हम आ गए जी पानी के करीब, तो अभी सामने जो आपको बंद नजर आ गया मस्जिद का गुंबद, वहां पर हम मौजूद थे जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी। तो अभी हम फिर जो पानी है डैम का वहां पर करीब आ गए मोटरसाइकिल पर। तो ये देखें जी यहाँ पर कितने खूबसूरत मंजर हैं, ये जानवर वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले तक पानी जो है वो काफ़ी ऊपर था, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कीचड़ वगैरह, तो पानी जो है वो काफ़ी ऊपर तक था, लेकिन आजकल इसको पानी जो उतार दिया गया है या कम कर दिया गया है डैम में, तो अभी जो है वो पानी थोड़ा सा दूर है। अभी आपको चेक करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप ये मंजर देखें कितने ज़बरदस्त हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारे। तो ये जी इस तरफ मंगला डैम का पानी, सियाख पोठा शहर की तरफ हम आए, तो ये डिडियार से तकरीबन जो है 10-12 किलोमीटर है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारे। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कश्ती भी चला रहे हैं, शायद वो शिकारी हैं, मछली का शिकार वगैरह कर रहे हैं, कुछ पैसे जो हैं वो इस वक्त पानी में बैठी हुई हैं। और दूसरी तरफ सामने डडियाल शहर आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंज़र है।
लेकिन जब पानी की सतह ज़्यादा होती है उस बंद तक होती है तो फिर नज़ारे ज़्यादा होते हैं, खूबसूरती ज़्यादा होती है। तो आजकल भी लोग यहाँ पर आते हैं इंजॉय करने के लिए काफ़ी शाम के टाइम, लेकिन हम इस वक्त दिन के टाइम आए, इस वक्त हमें टाइम मिला है तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे आप चेक करें। तो अभी मैं थोड़ा पानी के करीब चलता हूँ, तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पर क्योंकि पानी अभी यहाँ से कम हुआ है और कीचड़ वगैरह यहाँ पर है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कीचड़ वगैरह। ये देखें यहाँ पर ये प्यारी सी तितलियाँ, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी यहाँ से। पानी इस वक्त जो वो अपनी आबोताब में, और ये कश्ती देखें आप यहाँ पर। जी अवैस चिश्ती साहब और भाई इरफान और आदिल और बिलाल यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हेलो आदिल, ओ ये बिलाल जी और ये यहाँ पर देखें जी के भैंसें जो वो पानी में एंजॉय कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे मंजर। तो ये डैम का पानी जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मंगला डैम के पोठा शेर के मुकाम पर। खूबसूरत नज़ारे जी मंगला डैम के। तो ये देखें जी यहाँ पर ये भैंसें माल मवेशी चर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे। तो व्यूज उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।